हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली किरचॉफ्स लॉ कैपेसिटर के में कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस लॉ इज़ वेरी यूजफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग चार्ज ऑन एनी कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सर्किट। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि पैरेलल सीरीज यूज करने के बाद भी क्या है, कॉम्प्लिकेशन होता है ना। तो उस सिचुएशन में आपको किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज कैलकुलेट करना है या किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उस सिचुएशन में हम जनरली क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका यूज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर्किट में, जब भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, आपका सब मेथड फेल हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप किरचॉफ्स लॉ को यूज करके आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। और अभी आप किरचॉफ्स लॉ अच्छे से समझ जाओगे तो करंट में यही लॉ पढ़ना है, वहाँ हम रेजिस्टर्स के लिए पढ़ेंगे। रेजिस्टर के लिए करंट किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, आई थिंक आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, वहाँ भी पढ़ना था। तो यदि आप अभी अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको करंट, जब करंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। बेसिकली दो तरह के किरचॉफ्स लॉ होते हैं, है ना। कैपेसिटर के लिए क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। वन इज कॉल्ड जॉनसन लॉ, और इसको नोड लॉ भी बोलते हैं। जॉनसन का मतलब क्या हुआ कि द पॉइंट एट विच टू और मोर देन टू सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। सर्किट एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर कनेक्टेड हो, पोटेंशियल आई मीन ये बैटरी कनेक्टेड हो, रजिस्टर कनेक्टेड हो, तो वैसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड पॉइंट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ ये सर्किट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट में देखो एक कैपेसिटर इधर कनेक्टेड है, एक इधर कनेक्टेड है, और एक इधर से, तो ये तीन वायर कनेक्टेड है, एक वायर ए, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम क्या बोलेंगे, ए, और इसको हम क्या बोलेंगे, बी, आई मीन ए एंड बी आर क्या है, नोड, और क्या है, जंक्शन है। तो ये क्लियर हो गया कि जंक्शन का मतलब क्या हुआ, कि द पॉइंट एट विच टू और मोर देन टू करंट एलिमेंट्स आर कनेक्टिंग, सच पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स। जैसे देखो यहाँ क्या है, दो नोड्स हैं, आप देख सकते हो। तो बेसिकली दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है इसमें, हम क्या करते हैं, चार्ज को, मतलब ये जो लॉ है वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। दूसरा लॉ है जिसको लूप लॉ बोलते हैं। क्या है, लूप लॉ बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक क्लोज लूप कंसीडर करेंगे, और उसमें देखेंगे कि इसमें क्या होता है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आई मीन लूप लॉ, यदि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इनवैलिड हो जाए तो लूप लॉ हम यूज नहीं करेंगे। यदि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनवैलिड हो जाए तो हम जॉनसन लॉ क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, आई मीन करेक्ट नहीं होगा। तो जॉनसन लॉ या नोड लॉ जो है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, और लूप लॉ जो है वो क्या है, किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अब दोनों लॉ होता क्या है, देखो ध्यान से, कि जॉनसन लॉ में क्या होता है कि सम ऑफ टोटल चार्जेस एट एनी नोड, क्या होगा, सम ऑफ टोटल चार्जेस एट एनी नोड मस्ट बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो। क्या होगा, मस्ट बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। यही है कि सम ऑफ टोटल चार्जेस एट एनी जंक्शन और नोड इज इक्वल टू जीरो। किसी भी जंक्शन पे और किसी भी नोड पे जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से हम लिख सकते हैं सिग्मा क्यू एट, क्या लिखेंगे, एट नोड इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। सिग्मा का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज एट नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ चार्जेस जो हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और कुछ चार्जेस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यही होगा ना, कुछ चार्जेस जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कुछ चार्जेस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ नोड पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब याद रखना है नोड में यहाँ क्या लिखना है, कि जो चार्जेस कमिंग टू द क्या होगा, नोड इज कंसिडर एज क्या होगा, चार्जेस क्या होगा, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे बोल सकते हैं, क्या होगा, टोटल चार्ज कमिंग एट द क्या होगा, एट द नोड
नोड इज इक्वल टू क्या होगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा गोइंग गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, अवे फ्रॉम द क्या होगा फ्रॉम द, ऐसे भी हम बोल सकते हैं ठीक है। आई मीन सिग्मा क्या होगा, सिग्मा क्यू कमिंग कमिंग एट क्या होगा एट नोड इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा क्यू गोइंग गोइंग अवे फ्रॉम नोड, नोड और क्या होगा जंक्शन। तो देखो इस पॉइंट पे देखोगे तो चार्ज आ कौन रहा है क्यू, तो हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या होगा जा कौन रहा है क्यू वन एंड क्या है क्यू टू, तो हम क्या लिख सकते हैं क्यू वन प्लस क्या हो जाएगा क्यू टू हो जाएगा। उसके बाद ये जो लॉ देखो ये स्टेटमेंट लिखे हैं उसको हम कैसे सोचेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल क्यू माइनस क्या हो जाएगा क्यू वन प्लस क्या हो जाएगा क्यू टू इक्वल टू जीरो, आई मीन लिख सकते हैं क्यू माइनस क्यू आई मीन क्यू प्लस क्या होगा माइनस क्यू वन माइनस क्या हो जाएगा क्यू टू इक्वल टू क्या होगा जीरो हो गया ठीक है। अब देखो ये क्या है, आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट लिखने बाद कि टोटल चार्ज एट नोड जीरो क्या होगा, तो चार्ज कमिंग एट क्या होगा नोड इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड चार्ज गोइंग अवे फ्रॉम द नोड इज कंसिडर्ड एट क्या होगा निगेटिव, क्या होगा निगेटिव। जैसे देख सकते हो एक क्यू क्या है कमिंग चार्ज है और क्या है गोइंग अवे फ्रॉम द चार्ज है, तो यहाँ लिख लेना है कि साइन कन्वेंशन एक यूज करना है क्या कि टोटल चार्ज क्या होगा टोटल चार्ज आई मीन चार्ज कमिंग नोट में क्या लिखना है, क्योंकि देखो सम जीरो होगा इसका मतलब क्या होगा कुछ चार्ज का नेचर क्या होगा पॉजिटिव होगा और कुछ का क्या होगा निगेटिव होगा, तो हम लिख सकते हैं चार्जेस चार्जेस कमिंग कमिंग एट एट क्या होगा नोड इज कंसीडर्ड कंसीडर्ड एज प्लस वी वाइल क्या होगा वाइल चार्जेस क्या होगा चार्जेस गोइंग अवे फ्रॉम क्या होगा अवे फ्रॉम नोड इज कंसीडर्ड कंसीडर्ड एज क्या होगा negative. एक और इसको दूसरी तरह से भी हम इसको यूज करेंगे, देखो ध्यान से ये आपको समझना है ना, तो बेसिकली क्या है कि टोटल चार्ज कमिंग इज इक्वल टू क्या होगा टोटल चार्ज कमिंग टू द नोड इज इक्वल टू क्या होगा टोटल चार्ज गोइंग अवे फ्रॉम द क्या होगा। दूसरा एक एग्जांपल देखो, जैसे देखो यहाँ आप इसको ऐसे भी सोचना, एक क्या है एक कैपेसिटर दिया हुआ है, एक कैपेसिटर क्या है ऐसे कनेक्टेड है और एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्टेड है ठीक है। अब आपको क्या है मान लो कि ये चार्ज क्या है ऐसे जा रहा है, इस पर क्या है क्यू, तो यहाँ क्या होगा प्लस क्यू यहाँ क्या होगा माइनस क्यू आई मीन इधर से क्यू जाएगा तभी क्या होगा इस पर माइनस क्यू होगा। अब क्या होगा कि देखो ध्यान से ये क्या होगा, अब इधर मान लें कि क्या है क्यू वन चार्ज जा रहा है और इधर क्या है क्यू टू चार्ज जा रहा है, तो एक तो नोडल यही क्या होगा आपका क्या होगा नोड नोड और क्या होगा जंक्शन। तो यहाँ एक तो एक क्या हो जाएगा एक तो ऐसे सोच सकते हैं क्यू इक्वल टू क्या होगा क्यू वन प्लस क्या हो जाएगा क्यू टू, दूसरे तरह से ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखो आइसोलेटेड जो प्लेट्स होंगे कैपेसिटर्स के क्या होंगे ये ध्यान से देखना क्या होगा ये वाला ये क्या है आइसोलेटेड प्लेट्स है क्या है आइसोलेटेड आइसोलेटेड प्लेट्स ऑफ क्या है कैपेसिटर्स, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज क्या होगा टोटल चार्ज टोटल चार्जेस टोटल चार्जेस ऑफ आइसोलेटेड आइसोलेटेड प्लेट्स प्लेट्स ऑफ क्या होगा कैपेसिटर कैपेसिटर्स आर क्या होगा कैपेसिटर कैपेसिटर्स इज क्या होगा कंजर्व आई मीन पहले उन पे चार्ज क्या था जीरो था, तो अभी भी देखो यहां से लिख सकते हैं इनिशियली जब ये चार्ज नहीं था तो क्या है इन पे टोटल चार्ज क्या था इस प्लेट और इस प्लेट पे क्या था जीरो था,
जीरो था ना। अब ध्यान से देखना कि क्या हो जाएगा, इस पे भी क्या है तुम्हारा, प्लस चार्ज है और इस पे भी प्लस चार्ज है। तो इनका इन पे जो ये दोनों तीनों प्लेट्स हैं, इन पे टोटल चार्ज क्या होगा, क्या होना चाहिए, अभी भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आपको ये ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी तो हम लिख सकते हैं, इसको यूज करोगे तो दैट इज, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दैट इज क्या लिख सकते हैं कि माइनस क्यू प्लस क्या होगा, क्यू वन प्लस क्यू टू इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू वन प्लस क्या हो जाएगा, क्यू। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो लॉ है वो क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लूप लॉ। क्या बोलते हैं, लूप लॉ। तो सेकंड जो है क्या है, लूप लॉ। तो इसमें क्या है कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल क्या है कि सम ऑफ टोटल पोटेंशियल है ना, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप और क्या है, राइजेस अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स इन अ क्या होगा, इन अ क्लोज, क्या होगा, क्लोज लूप, मस्ट बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो, सॉरी ऑलवेज क्या होगा, मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ ईएमएफ ऑफ क्या होगा, ऑफ टोटल बैटरीज, ईएमएफ ऑफ ऑल बैटरीज, जितने भी बैटरी, तो सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप और राइजेस अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स इन अ क्लोज लूप मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल बैटरी, जितने भी बैटरी सर्किट में कनेक्टेड हैं उनके क्या होगा, इक्वल होता है। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से बताऊंगा, लेकिन पहले आपको क्या करना है, दो चीजें हमेशा इसमें क्या करना है, माइंड में रखना है, क्या करना है आपको, माइंड में रखना है, ठीक है। अब आप देखो जैसे ये दिया हुआ है, क्या है, ये कैपेसिटर है ना, यही कैपेसिटर है, और चार्ज कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ऑफकोर्स क्या होगा, इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, इस पे क्या होगा, इस पे प्लस चार्ज होगा, और इस पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो ये वाला जो एंड होगा, ये क्या होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा, लोअर पोटेंशियल, और ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, हायर पोटेंशियल, ये आपको मालूम है। हमेशा जब हम लिखते हैं कि व्हेन क्या होगा, लूप इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, आई मीन लूप का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ लूप। तो इस केस में चेंज क्या कंसीडर करना है, कि व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा इफ द, क्या होगा, देखो ध्यान से, इफ द लूप इज कंसीडर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या है, चार्ज, क्या होगा, अलोंग द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, चार्ज, देन पोटेंशियल ड्रॉप। देखो हमने क्या किया है, चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में क्या किया है, लूप कंसीडर किया है। इस सिचुएशन में कैपेसिटर की अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल यदि मान लो चार्ज q है, तो हम यहां मैं लिख देता हूं कि व्हाइल क्या है, इफ लूप इज क्या होगा, इज कंसीडर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या होगा, चार्ज, देन पोटेंशियल ड्रॉप, देन पोटेंशियल ड्रॉप विल बी क्या होगा, विल बी
इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू माइनस क्यू बाई क्या हो जाएगा सी, याद रखना। देखो जब चार्ज के डायरेक्शन मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। क्या होगा यहाँ, क्या हो रहा है पोटेंशियल, क्या हो रहा है ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि हम इधर से इधर जाए। जब भी हम ड्रॉप लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल लिखते हैं तो फाइनल माइनस क्या लिखते हैं, इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या होगा, इनिशियल। तो देखो फाइनल क्या है, पोटेंशियल लो है, इनिशियल पोटेंशियल क्या है, हाई है। तो चेंज जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यू अपॉन क्या होता है, सी होता है। केवल आपको क्या करना है, प्लस माइनस क्या करना है, एडजस्ट करना है, तब आंसर जो होगा करेक्ट आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है इससे। दूसरा क्या है कि व्हाइल क्या होगा, इफ लूप इज क्या होगा, इफ लूप इज कंसीडर्ड अपोजिट टू द क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इफ द लूप इज कंसिडर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस अक्रॉस कैपेसिटर विल क्या होगा, विल राइज एंड हेंस चेंज इन पोटेंशियल इक्वल हेंस चेंज इन क्या होगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा सी, ये याद रखना। तीसरा जो, अब देखो क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये कैपेसिटर है और चार्ज का फ्लो कैसे हो रहा है, यही इधर क्या है, इस पे प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और इस पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज। लेकिन हमने लूप कैसे कंसीडर किया है, ऐसे। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ क्या है, लूप। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। दोनों क्या है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ जब भी पोटेंशियल ड्रॉप लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ हम लूप कैसे कंसीडर किया है ऐसे, तो ये अगेन हायर पोटेंशियल पे क्या होगा, तो चेंज होगा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये चीज क्या है, आपको माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, फिर हम आते हैं इस स्टेटमेंट पे। थर्ड जो पॉइंट है क्या है कि बैटरी है, क्या है थर्ड जो है, बैटरी के अक्रॉस क्या है कि व्हाइल गोइंग while going या while crossing the battery from low potential to high potential क्या होगा, while crossing the क्या होगा, the battery, battery from low terminal टू क्या होगा, टू हाई टर्मिनल, टेक चेंज इन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल प्लस ईएमएफ, ये याद रखना है। एंड ठीक है, जैसे देखो ये क्या है, ये बैटरी है, ये हाई टू लो है। अब लूप जब होगा तो ऐसे भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इसमें बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हाई टर्मिनल बोलते हैं, इसको हायर टर्मिनल, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लोअर टर्मिनल। अब लूप का क्या है, लूप का डायरेक्शन ऐसे है ना, डायरेक्शन अब क्या है, डायरेक्शन अब क्या है, लूप। तो यहां यदि तुम डेल्टा वी लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्लस ईएमएफ लिखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लूप के डायरेक्शन, हम लो टू हाई जा रहे हैं, तो चेंज ऑलवेज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस क्या होता है, इनिशियल वैल्यू।
दूसरा यहां स्टेटमेंट ये लिख लेना क्या होगा कि वाइल क्या होगा वाइल क्रॉसिंग ये याद रख वाइल क्रॉसिंग द क्या होगा द बैटरी बैटरी फ्रॉम हायर क्या होगा हायर टर्मिनल टर्मिनल टू क्या होगा टू लोअर टर्मिनल टेक चेंज इन पोटेंशियल माइनस ईएम बस ए फोर जो पॉइंट है वो आपको किसको क्या करना है यदि आप अच्छे से समझ जाते हो तो फिर क्या है किरचॉफ्स लॉ से जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसान हो जाएंगे सर्किट का कोई भी प्रॉब्लम आप क्या कर सकते हो आसानी से समझ सकते हो इसका मतलब क्या है देखो ध्यान से कि यही क्या है लो टर्मिनल है और ये क्या है हाई टर्मिनल है अब ये क्या है लूप का डायरेक्शन ऐसे है डायरेक्शन अब क्या होगा लूप तो ऑब्वियसली क्या होगा ए और ए इसमें क्या होगा ए क्या होगा हायर टर्मिनल हायर पोटेंशियल और ये क्या होगा लोअर पोटेंशियल तो यहां ए डायरेक्शन अब क्या है डायरेक्शन ऑफ क्या है डायरेक्शन ऑफ ठीक है क्या है डायरेक्शन ऑफ लूप ठीक है अब देखो क्या है तो यहां जब आप ईएमएफ आई मीन डेल्टा भी लिखोगे तो क्या लिखोगे माइनस ईएमएफ लिखेगा अब मैं एग्जांपल लेता हूं इसका मतलब एग्जांपल क्या है तो यहां अब स्टेटमेंट जो हमने लिखा था देखो यहां से एग्जांपल से ज्यादा समझ में आ गए एग्जांपल देखो जैसे ये क्या है कैपेसिटर है एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर क्या है हमने एक बैटरी ऐसे कनेक्ट किया और दूसरा बैटरी ऐसे कनेक्ट किया चलो इसका ईएमएफ वी वन है इसका ईएमएफ टू एक क्या है सी वन और एक क्या है सी टू यही है अब देखो लूप का मतलब क्या हुआ पहले मैं मेंशन कर दूं ए बी ये क्या होगा सी और क्या होगा डी इसको आपको दो तरह से समझना है अब हम लिखेंगे देखो लूप कैसे कंसीडर कर लें पहले यहां से आप चार्ज भेजोगे चार्ज क्यू तो इस पे भी क्यू देखो यहां क्या होगा प्लस क्यू यहां क्या होगा माइनस क्यू यहां अगेन प्लस क्यू यहां क्या होगा माइनस क्यू ऐसे चार्ज का क्या होगा मूवमेंट होगा यही होगा ना अब चलो हम लूप कैसे मान लेते हैं ऐसे मान लेते हैं कैसे क्लॉकवाइज ठीक है क्या है क्लॉकवाइज हम कंसीडर कर लेते हैं तो जब भी क्या होगा आपको देखना है देखो इसको दो तरह से तुम सोच समझोगे अब मैं प्रूफ भी कर देता हूं कि पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू कैसे होता है यदि मुझे यहां लिखना है देखो तो वी बी माइनस वी ए लिखूं देखो तो यहां क्या होगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या लिखोगे देखो हम क्या किए हैं लूप कैसे कंसिडर किए हैं चार्ज के डायरेक्शन में तो चार्ज के डायरेक्शन में देखो ये क्या है हायर पोटेंशियल है और ये क्या है लोअर पोटेंशियल है तो यहां ड्रॉप इसलिए मैंने लिखा वी बी माइनस जब भी हम चेंज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हायर आई मीन फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या होगा इनिशियल पोटेंशियल ठीक है तो यहां देखो तो यहां क्या लिख सकते हैं माइनस क्या लिख सकते हैं माइनस क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं सी वन सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं वीसी माइनस क्या लिखेंगे वीबी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं अगेन क्या लिख सकते हैं माइनस क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं माइनस क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं सी टू सिमिलरली हम लिख सकते हैं देखो वीडी माइनस वीसी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देखो अबे हायर टर्मिनल है क्या लोअर टर्मिनल है तो वीडी विल बी क्या होगा स्मॉलर देन क्या होगा वीसी तो हम क्या लिखेंगे अब देखो हम कैसे जा रहे हैं लूप के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम क्रॉस करने वक्त हायर टू क्या है लोअर जा रहे हैं तो चेंज ऑलवेज क्या लिखेंगे माइनस तो माइनस क्या लिखेंगे वी टू यहां देखो लो टर्मिनल टू हाई जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे वी ए माइनस क्या हो जाएगा वी डी और इक्वल टू क्या होगा वी वन होगा अब सबको ऐड कर देखो ए कैंसिल हो गया ए कैंसिल हो गया ए कैंसिल हो गया और ई भी कैंसिल हो गया यहां से मालूम चल गया देखो तो वी वन माइनस वी टू माइनस क्यू अपॉन क्या होगा सी टू माइनस क्यू अपॉन क्या होगा सी वन इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं
देखो यहाँ ऐसे ही बोल सकते हैं, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप और राइज इन अ क्लोज लूप विल बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, तो यहां से हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप और क्या होगा राइज इन क्या होगा इन अ क्लोज लूप मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी क्या होगा जीरो। देखो इससे मालूम चल गया है, तो ऐसे भी अब हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या होगा कि हम यदि लिखें क्या होगा वी वन माइनस क्या होगा वी टू इक्वल टू क्या होगा क्यू वन अपॉन सी वन प्लस क्या होगा क्यू टू अपॉन क्या होगा सी टू। तो देखो तो यहां क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा इच ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर हो गया क्या, यही तो मेरा स्टेटमेंट था कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप और राइज अक्रॉस एनी कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल द बैटरी विथ पोलैरिटी। ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब इससे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, यही दो चीजें हैं आपको, किरचॉफ्स करंट किरचॉफ्स क्या है जॉनसन रूल और क्या है किरचॉफ्स लूप लॉ, दोनों आपको क्या करना है माइंड में रखना है, तो आप सर्किट का प्रॉब्लम कोई भी आप क्या कर सकते हो आसानी से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल हम देखेंगे क्या है, एक एग्जांपल हम देखेंगे कि ये दिया हुआ है, एच सी वर्मा का भी क्वेश्चन है, मैंने इसको लिखा भी है, एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, आप देखोगे तो क्या है एच सी बी का क्वेश्चन है 25 नंबर, आई मीन क्वेश्चन नंबर क्या है 25, इसमें दिया हुआ है देखो इसको दो तरह से हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए, देखो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड, इसका भी वैल्यू क्या है 2 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो ईएमएफ है ये क्या है 82 वोल्ट दिया हुआ है और ये क्या है 2 वोल्ट दिया, इसका कैपेसिटेंस कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम सी मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, यही क्या है ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है सर्किट में, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है कि टोटल आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या है पॉइंट ए एंड बी, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड क्या होगा एंड बी एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द एबव फिगर, शायद सी नंबर या डी नंबर क्वेश्चन है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप यही क्वेश्चन। अब आप देखो यहां भी क्या है दो बैटरीज कनेक्टेड है, आपको क्या करना है कहीं एक जगह से चार्ज कंसीडर कर लो और लूप लॉ यूज कर दो, तो हम लिख देते ए बी सी, देखो यहां भी क्या होगा सी हो जाएगा सी और ए डी, तो हमने इसको भी क्या मान लिया क्योंकि ये सब क्या होंगे सेम पोटेंशियल पे होंगे। अब हमने मान लिया कि इस बैटरी से देखो ध्यान से यहां से चार्ज क्या आ रहा है Q आ रहा है, तो इस पे क्या होगा इस पे प्लस Q चार्ज होगा और इस पे क्या होगा माइनस Q चार्ज, तो यहां से Q चार्ज जाएगा जाएगा कोई डाउट नहीं है। अब यदि ऑफ कोर्स यहां क्या है देखो ये भी क्या है नोड है, क्या है नोड है, तो यहां से यदि X चार्ज इधर जा रहा है X मान लें तो इधर क्या जाएगा, या यदि Q नट चार्ज इधर जा रहा है आई मीन इस पे क्या हुआ Q नट हुआ प्लस क्यू नट, तो इस पे क्या होगा माइनस क्यू नट, तो इधर क्या होगा इस पे अगेन क्या होगा क्या हो जाएगा क्यू माइनस क्या हो जाएगा क्यू नट और इस पे क्या हो जाएगा क्यू, इस पे क्या हो जाएगा माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। अब पहला मेथड हम क्या सोच सकते हैं देखो कि एट नोड क्या है अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब दो तरह से सोचना देखना ध्यान से, अगेन क्या है पहले
इस पे चार्ज क्या था इस प्लेट पे? ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम हो गया. आइसोलेटेड क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम. तो यहां लिखेंगे टोटल चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल चार्जेस. चार्जेस ऑन क्या होगा? ऑन आइसोलेटेड आइसोलेटेड प्लेट्स. प्लेट्स मस्ट बी क्या होगा? मस्ट बी क्या होगा? मस्ट बी जीरो. ऐसे भी सोच सकते हो. तो क्या होगा? साइन के साथ रखना थे, क्या हुआ? माइनस क्यू है ना. तो हमने देखो यहाँ क्या है, ऑलरेडी आप देखोगे, देखो क्या होगा. यहाँ हमने माइनस क्यू रखा, यहाँ क्या है? प्लस क्यू नॉट. और यहाँ क्या है? तो देखो क्या हो गया, माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्या हो गया? प्लस क्यू नॉट. क्यू नॉट प्लस क्यू माइनस क्या होगा? क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया. इसका यूज क्या है कि हमने डायरेक्टली यहाँ यूज कर दिया कि यहाँ से क्यू आ रहा है, इधर क्या हो गया? क्यू नॉट. तो इधर ऑफकोर्स क्या होगा, इस टोटल चार्ज का जो सम होना चाहिए, आई मीन सम ऑफ चार्ज कमिंग इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ चार्ज क्या होगा? गोइंग अवे फ्रॉम द क्या होगा? नोड. तो हमने ऑलरेडी क्या है, इस स्टेटमेंट को यूज करके ही हमने इधर लिखा है. अब हम क्या करेंगे कि लूप लॉ यूज कर देंगे. लूप लॉ कैसे कंसीडर करें आपको देखना है. देखो ध्यान से, अब मैं एक लूप ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, क्या है? ऐसे मैं लिख रहा हूं कि अप्लाइंग हैंग नाउ क्या है? कंसीडर क्या है? लूप. लूप ए सी क्या होगा? ए सी 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 बी ए. एक क्लोज लूप हो गया. देखो ए सी सी बी ए. अब याद रखना है, देखो लूप क्या है. अब देखो यहां क्या है, लो टू हाई जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ड्रॉप क्या लिखेंगे? प्लस टू वोल्ट. यहां देखो हम क्या जा रहे हैं, हायर टू लो जा रहे हैं, प्लस पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट जा रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे. और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? कितना होता है? क्यू बाई क्या होता है? सी होता है. तो हम क्या लिखेंगे? माइनस क्यू अपॉन क्या लिखेंगे? टू. अगेन यहाँ देखो, यहाँ हम कैसे जा रहे हैं? हाई टू क्या जा रहे हैं? लो जा रहे हैं. यहाँ पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट जा रहे हैं, तो क्या लिखना है? माइनस लिखना है. तो माइनस माइनस क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्यू है ना. माइनस क्यू, माइनस क्यू नट बाई क्या लिखेंगे? टू इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया. क्या हो गया? जीरो हो गया. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो तो क्या होगा? टू माइनस क्यू बाई टू, माइनस क्यू बाई टू प्लस क्यू नट बाई टू इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया. तो देखना है यहाँ से, टू प्लस क्यू नट बाई टू इक्वल टू क्या होगा? क्यू हो गया. एक इक्वेशन मालूम चल गया. दूसरा एक लूप और हम यूज कर लेते हैं. कौन सा लूप कंसीडर कर लें? आप देखो, मैं लूप कंसीडर कर लूं. अगेन क्या है? नाउ कंसीडर क्या है? कंसीडर लूप ए. अब बोलो कैसे कंसीडर करें. चलो ऐसे कंसीडर कर लेते हैं. लूप ए डी डी बी ए. अब देखो ए टू डी, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? माइनस बी होगा, माइनस ई एम एफ. तो टू, देखो यहां से हम क्या जा रहे हैं? डी टू ए, आई मीन लो टू हाई जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? प्लस क्यू नॉट बाई क्या लिखेंगे? टू. यहाँ अगेन देखो हम क्या जा रहे हैं, लो टू क्या जा रहे हैं? लो टू आई मीन सॉरी हाई टू लो. तो हम क्या लिखेंगे? माइनस क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन क्यू नॉट बाई क्या लिखेंगे? टू इक्वल टू क्या हो गया? जीरो. इसको अगेन सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस टू प्लस क्या हुआ? क्यू नट बाई टू प्लस क्यू नट बाई टू है ना. माइनस क्यू बाई टू इक्वल टू क्या हो गया? जीरो. ये क्या हो जाएगा? क्यू नट इक्वल टू क्या होगा? हाँ, हमने सॉरी, यहाँ यहाँ सी है ना, यहाँ हमने गलत लिख दिया है. सी होगा, हमने यहाँ गलत लिख दिया है. यहाँ भी सी होगा, ये गलत हो गया, सॉरी. ये क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा? टू टू माइनस क्यू बाई टू, माइनस क्या हो जाएगा? क्यू बाई सी प्लस क्या होगा? क्यू नट बाई क्या हो गया? या एज इट इज रहने दो. माइनस क्या हो गया? क्यू माइनस क्यू नट बाई क्या हो गया? सी. इसको इक्वेशन वन मान लो. ठीक है, एज इट इज रहने दो इसको.
यहाँ से देखो अगेन क्या होगा, यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया है, तो यहाँ क्या होगा सी होगा, तो माइनस टू प्लस क्या होगा क्यू नट बाई टू माइनस क्यू माइनस क्यू नट अपॉन क्या हो गया सी इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब तुम दोनों को सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा Q और Q नट में क्या हो जाएगा रिलेशन आ जाएगा, देखो ध्यान से ठीक है। दूसरी तरह से भी इसको हम सोच सकते हैं, तो हमने क्या 2 माइनस क्या हुआ, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड से, देखो क्या करो हम सिंप्लीफाई कर दें तो हाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नाउ क्या लिखेंगे, नाउ क्या हो जाएगा नाउ फर्स्ट माइनस क्या लिखें सेकंड, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा टू टू माइनस क्यू बाई टू है ना, देखो ए और ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे प्लस टू माइनस क्या लिखेंगे क्यू नट, क्या हो जाएगा माइनस क्यू नट बाई क्या हो गया टू इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया ठीक है। यहाँ से हमने कुछ मिस्टेक किया क्या, क्यू आई मीन टू माइनस क्या हो जाएगा टू माइनस क्यू बाई टू माइनस क्या होगा क्यू नट ठीक है, क्यू माइनस क्यू नट बाई सी, इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो ये लिखा है सही है, इधर मैंने यूज किया है माइनस टू लिखा सही है, इधर हमने प्लस और ये क्या हो जाएगा अगेन हाई टू लो ये भी सही है, जब हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे लेकिन तो क्या आ जाएगा, देखो एक इक्वेशन आ रहा है यहाँ से, क्या आ रहा है यहाँ से फोर इक्वल टू क्या होगा क्यू प्लस क्यू नेट बाई क्या हो जाएगा टू, तो क्या हो जाएगा एट इक्वल टू क्या होगा क्यू प्लस क्या होगा क्यू नेट, ये इक्वेशन क्या हो गया थ्री हो गया। अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, किसी एक इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्यू नट आई मीन क्या हो जाएगा क्यू नट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एट माइनस क्या लिख सकते हैं क्यू ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड मान, और आप किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो किसका, उसका किसका किसका वैल्यू रख दो क्यू नट का, तो हम लिखेंगे पुटिंग पुटिंग द क्या होगा पुटिंग द वैल्यू वैल्यू ऑफ क्यू नट इन इक्वेशन क्या होगा सेकेंड वी गेट, देखो क्या मिलेगा इससे, जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ सेकेंड में रखोगे तो क्या मिलेगा माइनस टू प्लस क्यू नट बाई क्या हुआ टू माइनस क्या हो रहा है क्यू का वैल्यू रखो, क्या रखना है क्यू नट आई मीन हम क्या रखेंगे Q का वैल्यू रखेंगे तो कितना 8 आई मीन Q सॉरी क्या रखेंगे माइनस 2 प्लस Q नट का वैल्यू 8 माइनस Q बाई क्या होगा 2 माइनस क्या होगा Q नट Q माइनस 8 माइनस Q अपॉन क्या हो जाएगा C इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, यही होगा। अब हम सिंपली माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस Q बाई 2 माइनस क्यू बाई सी आई मीन माइनस क्या हो जाएगा टू क्यू बाई क्या हो जाएगा सी ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस टू क्यू बाई क्या हो जाएगा सी प्लस क्या हो जाएगा प्लस एट बाई क्या हो जाएगा सी इक्वल टू क्या हो गया जीरो। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो फोर है ना फोर माइनस क्यू इंटू क्या हो जाएगा वन बाई टू प्लस टू बाई सी प्लस एट बाई क्या होगा सी इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा क्यू का वैल्यू मिल जाएगा, और जैसे ही क्यू का वैल्यू रख दोगे किसी क्या हो जाएगा क्यू का वैल्यू मालूम चल जाएगा किसका क्यू का, तो अपने को क्या चाहिए क्यू नॉट का वैल्यू चाहिए, तो Q का वैल्यू यहाँ से तुमको कितना मालूम चला Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 है ना 4 आई मीन 4 प्लस 8 बाई सी अपॉन क्या हो जाएगा
वन बाई टू प्लस टू बाई सी। ये क्यू का वैल्यू मालूम चल जाएगा, उसके बाद आप क्यू नट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, और जब कैलकुलेट करोगे तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरह से आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो दूसरे तरह से मैं बताता हूं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरे तरह से हम सोचेंगे इसको कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। एग्जांपल क्या दे, देखो यहां ध्यान से दिया हुआ है कि ये क्या है, एक 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ हमने क्या किया, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ एक 2 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ भी एक कैपेसिटर है। ये कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोफेराड, ये भी क्या है, 2 माइक्रोफेराड, ये 2 वोल्ट और ये क्या है, 2 वोल्ट, इसको हमने सी मान लिया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यदि मैं इसको मान लूँ क्या है, रेफरेंस पॉइंट, आई मीन इस पॉइंट को मान लूँ जीरो पोटेंशियल, क्या मान लूँ, जीरो पोटेंशियल, इसको हम क्या मान लें, जीरो पोटेंशियल मान लें, तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, माइनस 2 वोल्ट हो जाएगा। इसमें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है क्या, इसको बी मान लें, क्या दिया हुआ है, आई मीन दिस पोटेंशियल, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 वोल्टेज, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 वोल्ट हो जाएगा, और इसको चलो हम मान लेते हैं वी मान लेते हैं, यहाँ हमने मान लिया कि पोटेंशियल क्या है, इसको नोडल एनालिसिस पोटेंशियल बाय यूजिंग क्या है, हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग क्या है, नोडल एनालिसिस, बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस हम इसमें क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, मान लेते हैं कि उसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, उसके रिस्पेक्ट में हर नोड का पोटेंशियल हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, और उसके बाद जैसे हमने क्या मान लिया, यहाँ जीरो पोटेंशियल मान लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, 2 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, 2 वोल्ट, तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस 2 वोल्ट होगा हर जगह, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, 2 वोल्ट, क्योंकि ये वायर है तो हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब यदि मैं मानूं, देखो ध्यान से, ऐसे मैं मानूं कि यहाँ क्या होगा, क्यू चार्ज आ रहा है और इधर क्या जा रहा है, इधर Q क्या हुआ, Q मान लो इधर क्या हुआ, Q1 और इधर क्या हुआ, Q2 और इधर भी क्या होगा, Q होगा। तो पहले आप क्या लिखोगे कि सम ऑफ चार्ज, क्या लिखोगे कि क्या लिखो, Q इक्वल टू क्या लिखो, Q1 प्लस क्या होगा, Q2 फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो इससे भी बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब Q क्या लिखोगे, Q लिखना है आपको, तो Q इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो तो अब यहाँ क्या है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पे, क्योंकि यहाँ क्या होगा प्लस और यहाँ क्या होगा माइनस, तो हम लिखेंगे Q क्या लिखेंगे, 2 वोल्ट माइनस क्या लिखेंगे, V है ना, क्या लिखेंगे, सॉरी गलत लिख दिया क्या, कि Q अपॉन क्या लिखेंगे, आई मीन चार्ज इक्वल टू, ठीक तो चार्ज इक्वल टू 2 माइनस क्या लिखेंगे, 2 माइनस वी इंटू क्या लिखेंगे, 2 इक्वल टू Q1 कितना होगा, देखो ये क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल, क्योंकि ये क्या होगा पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ पोटेंशियल देखो यहाँ क्या होगा, यदि हम क्या लिखें Q1 लिखेंगे तो Q1 क्या लिखेंगे, V माइनस क्या लिखेंगे, 2 वोल्ट, तो क्या लिखेंगे, V ऑफ माइनस माइनस 2 इंटू क्या लिखेंगे, 2 प्लस, अगेन देखो ये क्या है लो पोटेंशियल पे क्या है हाई पोटेंशियल पे, तो यहाँ हम जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, Q2 लिखेंगे, तो Q2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इंटू क्या लिखेंगे, V इंटू क्या लिखेंगे, C। ये मालूम चल गया आपको, उसके बाद कुछ करना नहीं है, 4 माइनस 2V इक्वल टू क्या हो गया, 2V प्लस 4 प्लस क्या हुआ, VC। अब देखो ये 4 और 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आप इसको 2V को उधर ले जाओते क्या हो जाएगा, देखो 4V प्लस VC इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो V इंटू हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस क्या लिखेंगे, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब आप लिख सकते हैं, देखो 4 प्लस C कभी 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब V जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ दोनों पोटेंशियल क्या, आई मीन यही ये था ना और क्वेश्चन में B, तो हमने क्या लिखा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो गया,
जीरो। क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या हो गया? जीरो हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है, तो नोडल एनालिसिस यूज करके भी, नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम क्या लिख देंगे, जीरो। उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में हर नोड, जितने भी आपको नोड मिले हैं उसका पोटेंशियल क्या करो, लिखते जाओ, है ना। और फिर क्या करना है, चार्ज कंसीडर कर लेना है किसी भी बैटरी के थ्रू, ठीक है, उसे चार्ज कंसीडर कर लो और किरचॉफ्स लॉ क्या करो, यूज करो, आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें भी क्या दिया हुआ है, ये भी एचसी वर्मा का 20 क्वेश्चन नंबर क्या है, 25 ही है। जैसे क्या दिया हुआ है कि एक बैटरी है ना, इसका ईएमएफ जो है क्या है, 6 वोल्ट है। यहाँ जो एक बैटरी है इसका ईएमएफ क्या है, 12 वोल्ट है। और यहाँ जो बैटरी है उसका ईएमएफ क्या दिया हुआ है, ईएमएफ 24 वोल्ट है। यहाँ आई थिंक 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, यहाँ आई थिंक 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, और यहाँ जो दिया हुआ है 4 माइक्रोफेरेड का क्या है, कैपेसिटर है। ये भी एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। इसको भी हम क्या करेंगे, दो तरह से सॉल्व करेंगे शायद, है ना, यही दिया हुआ है ना। हाँ यही दिया हुआ है, 6, 12 और ये आपको भी क्या करना है, ये पॉइंट क्या है, ए है, और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड क्या है, फाइंड वी ए माइनस क्या होगा, वी बी। यही क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करना है, चलो नोडल एनालिसिस से कैलकुलेट करते हैं। पहले पहला मेथड क्या है, मेथड फर्स्ट बाय यूजिंग क्या हो गया, बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। अब हमने क्या मान लिया, इसी का पोटेंशियल क्या मान लिया, पोटेंशियल एट जीरो पोटेंशियल। यहां हमने क्या मान लिया, जीरो पोटेंशियल। ए को हमने क्या माना, पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट मान लिया, आई मीन कंसीडर पोटेंशियल ऑफ ए इज जीरो। क्या माना हमने, पोटेंशियल एट ए क्या है, पोटेंशियल एट ए इज क्या है, जीरो। अब आप देखोगे, चलो इसको हम मान लो कि हमने क्या है, एम पॉइंट मान लें, इसको एन पॉइंट, और इसको क्या मान लें, आर पॉइंट मान लें। तो आपको मालूम है कि यहाँ जो होगा, आई मीन हम बोल सकते हैं कि वी एम इक्वल टू क्या होगा, वी एम इक्वल टू क्या होगा, 6 वोल्ट। वी एन इक्वल टू क्या होगा, प्लस 12 वोल्ट। और वी आर इक्वल टू क्या होगा, प्लस 20 वोल्ट। यही होगा ना, प्लस 24 वोल्ट। और यहाँ हम मान लेते हैं कि लेट क्या, लेट पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज क्या है, बी इज एक्स वोल्ट। एक्स वोल्ट हमने क्या किया, मान लिया। अब आप बोलोगे चार्ज कहाँ से कंसीडर करोगे, तो मैंने ये कंसीडर कर लिया। देखो हम लूप लॉ यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम लूप लॉ यूज नहीं कर रहे हैं, लूप लॉ बाद में हम यूज करेंगे, सेकेंड मेथड। ये क्या है, यहां से क्यू चार्ज आया, तो यहां नोड है, इसी को हम क्या बोलेंगे, नोड। तो यहां चार्ज आएगा क्यू वन, और यहां क्या होगा, क्यू टू। यहां हमने पोटेंशियल क्या माना है, एक्स। अब आपको सबसे पहले क्या है कि पोटेंशियल दिखा दो। तो देखो यहां चार्ज आ रहा है, तो यहां क्या होगा, इस पे प्लस क्यू हो जाएगा, और इस पे क्या होगा, माइनस क्यू। अगेन इस पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू टू, और इस पे भी क्या होगा, प्लस क्यू वन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, चार्ज एट नोड क्या होगा, नोड बी। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वन प्लस क्या होगा, क्यू टू। अब आपको क्या करना है, Q1, Q2 और Q3 का क्या करना है, वैल्यू रख देना है। तो देखो Q1 का वैल्यू कितना होगा, यहां से देखो, यहां पोटेंशियल क्या मालूम चल गया। तो देखो, तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CV। तो क्या लिखेंगे,
वी आर माइनस एक्स इंटू क्या लिखेंगे वन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा क्यू इक्वल टू वी आर, कितना है हमने 24 माइनस एक्स हमने कंसीडर किया है, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो ये क्या हुआ हायर पोटेंशियल पे और ये क्या हुआ लोअर पोटेंशियल पे, यहां लिख सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 6 इंटू क्या लिख सकते हैं 4। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं Q2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x माइनस 12 इंटू क्या लिखेंगे 2। अब हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 Q3 पुटिंग द क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या होगा Q1 एंड क्या होगा Q2 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, वैल्यू रखो तो Q का वैल्यू क्या है देखो 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है 4 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस क्या है 2 इंटू क्या होगा एक्स माइनस क्या होगा 12। सिंप्लीफाई करो 24 माइनस एक्स इक्वल टू 4x माइनस 24 प्लस 2x माइनस क्या होगा 24। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा 96 है ना, नहीं 72 हो जाएगा, कितना 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। तो देखो आसानी से क्या हुआ मालूम चल गया, क्या आसानी से मालूम चल गया x इक्वल टू क्या हुआ x इक्वल टू क्या मिला 72 अपॉन क्या मिला 7 नियरली क्या हो जाएगा 10 पॉइंट क्या होगा नियरली आप 3 वोल्ट्स कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे लिखना हो VA माइनस क्या है वी भी लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 0 माइनस 10.3 इक्वल टू क्या होगा माइनस 10.3। तो ये अपने को क्या मालूम चल गया कि पोटेंशियल मालूम चल। अब आपसे कोई पूछे कि चार्ज कैलकुलेट कर दो तो चार्ज कितना होगा, देखो नोडल एनालिसिस से बहुत आसान हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। चार्ज लिखना है VA माइनस VB मालूम चल गया। अब चार्ज क्या था देखो तो Q इक्वल टू 24 Q इक्वल टू हमने लिखा 24 माइनस क्या था x, यही था ना क्या था 24 माइनस x। अब आप लिख सकते हो Q इक्वल टू 24 माइनस कितना हो जाएगा 72 बाई क्या होगा 3। तो यहां लिख सकते हो कि अगेन क्या हो जाएगा 72 माइनस 72 बाई ये कितना हो जाएगा, ठीक है यही है ना, नहीं सॉरी गलत लिख दिया 7 है ना। तो आप लिख सकते हो 24 कॉमन ले लो 24 तो कितना 1 माइनस 3 बाई 7 तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 4 बाई क्या हो जाएगा 7 96 अपॉन क्या होगा 7 माइक्रो कूलम। क्यू का वैल्यू मालूम चल जाएगा, उसी तरह तुम Q1 भी कैलकुलेट कर सकते हो और Q2 भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड जो है वो क्या है बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, क्या है बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो बाय क्या होगा M2 लिख देता हूं, बाय क्या होगा बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, देखो क्या दिया हुआ है यही तुम्हारा क्वेश्चन है, यहां क्या दिया हुआ है 6 वोल्ट का बैटरी और ये कैपेसिटर जो है इसका कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रो फैराड, इसका क्या है 2 माइक्रो फैराड और इसका EMF 12 वोल्ट और इसका 24 और यहाँ जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 1 माइक्रो फैराड दिया। अगेन ये क्या है ए पॉइंट है और क्या है बी, यही क्वेश्चन है।
अब हमको कुछ समझ में नहीं आता तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमने मान लिया क्या होगा, यहाँ से हमने क्या किया, मान लिया कि यहाँ से क्या है, चार्ज क्या है, क्यू, इस पर प्लस क्यू, ठीक है, तो यहाँ आएगा क्यू, अगेन यहाँ क्यू वन, और यहाँ क्या होगा, क्यू टू, ठीक है, क्या हुआ, क्यू वन क्यू टू, यहाँ से क्या होगा, क्यू टू क्यू टू, यहाँ से क्या होगा, क्यू वन, अगेन क्या होगा, यहाँ क्यू वन। अब आप एक लूप क्या कंसीडर कर सकते हो, चलो एक लूप हम क्या मान लेते हैं, ये वाला है, दूसरा लूप हम क्या मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं, ठीक है, तो नाम देते हैं ए, यहाँ हम लिख देते हैं पी, बी यहाँ हम क्या लिख देते हैं, क्यू, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं आर। तो पहले हम क्या लूप यूज करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, आप लूप सेलेक्ट कर लो, यहाँ देखो क्या है, तीन नंबर ऑफ लूप बन रहे हैं, तो आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ अनोन है, जितने नंबर ऑफ अनोन होंगे उतने नंबर ऑफ लूप्स होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, नाउ क्या लिखेंगे, नाउ अप्लाइंग, हाँ तो पहला इक्वेशन क्या लिख सकते, नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन, अब क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट बी, तो लिख सकते हैं Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस क्या होगा, Q2, इक्वेशन वन मिल गया, क्या है, नाउ अप्लाइंग लूप लॉ इन लूप क्या होगा, ए पी बी आर ए, देखो ये लूप कंसीडर कर रहे हैं, अब देखो लूप के डायरेक्शन में जा रहा है, और लोअर टर्मिनल टू हाईएल, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस बी, तो क्या लिखेंगे, प्लस 24, यहाँ क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव, तो क्या लिखेंगे यहाँ, माइनस क्यू अपॉन क्या होगा, वन, अगेन देखो यहाँ क्या जा रहे हैं हम, ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, माइनस Q2 by क्या लिखेंगे, 2, यहाँ देखो बैटरी को हम जब क्रॉस कर रहे हैं तो पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ ये मालूम चल गया 12 इक्वल टू क्या हुआ, Q1 प्लस क्या हुआ, Q2 by क्या हुआ, 2, एक इक्वेशन अपने को मालूम चल गया, देखो अनोन क्या है, एक इक्वेशन अपने को क्या है मालूम चल गया, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन दो, तो सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप यदि फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करो तो वहां से हम लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकंड, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, 12 इक्वल टू क्यू माइनस क्यू वन, आई मीन क्यू माइनस क्यू टू प्लस क्या लिखोगे, क्यू टू बाई क्या होगा, 2, तो यहाँ से मिल जाएगा 12 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, क्यू माइनस क्यू टू बाई क्या होगा, 2, ये इक्वेशन 3 मिल गया। अब एक लूप हम क्या करेंगे, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, दूसरा लूप हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, नाउ कंसीडर लूप ए, हमने क्या कंसीडर किया है, ए आर बी क्यू ए, ए आर बी क्यू ए, तो यहां से आप लूप जब कंसीडर करोगे, देखो हम ऐसे चल रहे हैं, ए आर बी क्यू ए, तो देखो यहाँ क्या है, बैटरी के पॉजिटिव से, सॉरी लो टर्मिनल से आई जा रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 12 वोल्ट, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, देखो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, तो क्या लिखेंगे, क्यू टू बाई क्या लिखेंगे, 2, यहाँ हम क्या जा रहे हैं, अगेन यहाँ क्या होगा, प्लस, यहाँ क्या होगा, माइनस, तो क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ भी क्यू है, तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू वन बाई क्या होगा, 4, अगेन क्या लिखेंगे यहाँ, माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो आप अगेन सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस क्यू टू बाई क्या होगा, 2, माइनस क्या हुआ, माइनस 1/4, इसको लिख सकते हैं क्यू माइनस क्यू टू। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, ठीक है, तो 6
सिक्स प्लस क्यू, ठीक है, क्यू टू बाई टू माइनस क्या हुआ क्यू बाई फोर प्लस क्यू टू बाई क्या हुआ फोर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो, सिक्स प्लस थ्री क्यू टू, क्यू टू बाई क्या हुआ फोर इक्वल टू क्यू बाई क्या हुआ क्यू बाई फोर, यही होगा ना। यहाँ से आप लिख सकते हो 24 प्लस 3 क्यू टू इक्वल टू क्या लिख सकते हो क्यू, ये इक्वेशन क्या हुआ 4 हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सब वैल्यू मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम थर्ड एंड क्या होगा एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ लिखोगे तो क्या लिखोगे 24 प्लस 3 क्यू टू इक्वल टू क्या मिलेगा देखो, क्यू टू का वैल्यू तो क्या लिखोगे 12, आई मीन क्यू का वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे 12 प्लस क्यू टू बाई टू और टोटल का बाई क्या है, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 24 प्लस 3 क्यू टू इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस Q2 बाई क्या हुआ 8, तो यहाँ से मालूम चल जाएगा आपको कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू Q2 इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई 8 माइनस 3, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू आई मीन कितना हो जाएगा, ठीक है, तो Q1 ये हमने इधर लाया तो हम क्या लिख सकते हैं Q1 21, तो 21 Q2 इक्वल टू क्या इंटू क्या होगा 1 अपॉन 8 माइनस क्या होगा 3, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 23 Q2 बाई क्या होगा 8, इसको लिखोगे तो Q2 इक्वल टू क्या होगा माइनस 21 इंटू 8 अपॉन क्या होगा 23, तो ऐसे कुछ क्या होगा Q का वैल्यू आया। तो Q का जैसे ही वैल्यू मालूम चल गया Q2 का, वैसे ही आप क्या करोगे Q1 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये कितना आएगा देखो, देख लेना कहीं कैलकुलेशन में, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस क्या हो जाएगा अपॉन 23 माइक्रो कूलम, Q2 का वैल्यू है कितना माइनस 168 अपॉन 23 माइक्रो कूलम। तो अब आप Q1 का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और क्या Q का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके बाद आसानी से क्या कर सकते हो पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है, नोडल एनालिसिस और क्या है किरचॉफ्स लॉ। तो फिर दोनों से आप सबसे आसान क्या होता है नोडल एनालिसिस होता है। नोडल एनालिसिस फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं, केवल क्या करेंगे एक जगह किसी भी पॉइंट का हम पोटेंशियल क्या मान लेंगे जीरो मानते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हर नोड का पोटेंशियल कुछ कंसिडर कर लेते हैं, फिर चार्ज कंसिडर करके और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज करके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं। और जैसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख लोगे उसके बाद क्या करोगे आसानी से आप क्या कर सकते हो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो और आसानी से क्या होगा आंसर आ जाएगा। Q1 Q2 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करो और उसमें क्या है Q1 Q2 Q3 जो भी आ रहा है उसका वैल्यू अननोन पोटेंशियल के टर्म में लिखो, आंसर क्या होगा आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और भी आप होमवर्क लिख लो, ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे देखो क्या है, ये होमवर्क लिख लेना, इसको ट्राई कर लेना कि जस्ट हमने क्या किया क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया है, ये C1 ये C2 और ये क्या है C3 है, ये V1 है और ये क्या है V2 है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है B है। तो आपको क्या करना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A क्या होगा पॉइंट ए एंड पॉइंट क्या होगा पॉइंट
बी दोनों मेथड से, दैट इज क्या है, दैट इज वी ए माइनस क्या कैलकुलेट करना है आपको, इसको होमवर्क लिख लेना और ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगले जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं और आप कंडीशन देखो क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होगा, यहां एक कैपेसिटर, एक यहां कैपेसिटर और एक क्या होगा, ये हमने मैंने बताया भी था आप लोगों को शायद रेट ऑफ हीट फ्लो जब हम पढ़ रहे थे, तो यही क्या है, ये सी वन ए सी थ्री आई मीन सी टू, सी टू ए सी फोर और ये क्या हुआ सी थ्री। तो आपको एक कंडीशन बताना है कि क्या है, आपको प्रूफ कर देना है कि प्रूफ दैट क्या होगा कि C1 C4 इक्वल टू क्या होगा C2 C3 और क्या होगा बैलेंस बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि यहां यदि ये B पॉइंट है और ये क्या है D पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं VB इक्वल टू क्या होगा VD फॉर क्या होगा फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन स्टोन ब्रिज। एक कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर थे, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, और नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।